सरहद पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से बढ़ते तनाव को देखते हुए बॉर्डर एरिया को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के कच्छ और बनासकांठा से लगती सीमा पर कोस्ट गार्ड के साथ ही मरीन कमांडोज और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके अलावा जमीनी सीमा पर भी बीएसएफ के सेकेंड लाइन ऑफ कंट्रोल की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस विंग के इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर और यूपी में हमला करने में नाकाम रहे आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसे देखते हुए 15 अगस्त के मौके पर ऑपरेशन अलर्ट सख्त कर दिया गया है। पंजाब बॉर्डर पठानकोट और गुरदासपुर में भी पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ा दी गई है। ये जो पठानकोट की लोकेशन है तो वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको पता है कि हम ऑलमोस्ट रूटीन में ही डे टू डे बेसिस पे ही अलर्ट पे होते हैं, तो ये हमारी आज चेकिंग कोई खास नहीं है। हम रैंडम चेकिंग करते रहते हैं और ऑलमोस्ट वीक में 3-4 दिन रैंडम चेकिंग करते हैं। आज हमारी स्पेशल चेकिंग है रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी सिनेरियो ऑफ 15 अगस्त, तो उसके साथ में जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं बॉर्डर एरिया पे या नेबरिंग एडजॉइनिंग अपना स्टेट है J&K में वहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आज ये स्पेशल चेकिंग करवा रहे हैं। बाकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सब कुछ पीसफुल है। आपने देखा होगा सारी फोर्स बड़ी मुस्तैदी से तैनात है। और सीमा से सटे इलाकों में चेकिंग और गश्त बढ़ाए जाने के साथ कच्छ की समुद्री सीमा पर भी जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए सीमा सुरक्षा बल के IG GS मलिक ने बताया कि 15 अगस्त को देखते हुए गुजरात सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यालय पर न्यूनतम स्टाफ रहेगा, बाकी जवानों को सीमा पर भेज दिया गया है। तटीय क्षेत्र और जमीनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस इनपुट है कि आतंकी समुद्र के रास्ते दिल्ली पर हमले की साजिश कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। BSF ने इस बार जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीकी सांचू बॉर्डर पर झंडा रोहण का कार्यक्रम तय किया है। इसे देखते हुए राजस्थान से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है ताकि देश में कोई अप्रिय घटना न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत, मध्य प्रदेश।